स्वागत है द एंगल में। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा रद्द। शेख मुजीबुर रहमान की जयंती शताब्दी समारोह के थे मुख्य वक्ता। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक की मौत, दो तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका। प्रदेश भर में फागोत्सव की धूम। जयपुर के रोजगारेश्वर मंदिर में भक्तों ने खेली फूलों की होली। चौतरफा दबावों के चलते टूटा शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1500 अंकों की गिरावट। यस बैंक के शेयर में उछाल। कोरोना वायरस के कारण कई आयोजन रद्द हो रहे हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश ने भी शेख मुजीब उर रहमान की जयंती का शताब्दी समारोह रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह के मुख्य वक्ता थे और ऐसे में उनका बांग्लादेश दौरा रद्द हो गया है। इसी हफ्ते बांग्लादेशी संसद की स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निमंत्रण पर 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वाली थी। पीएम मोदी 17 मार्च को बांग्लादेश जाने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते इस दौरे को रद्द करना पड़ा है। सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन कमाल अब्दुल चौधरी ने बांग्लादेश सरकार के इस फैसले को रद्द करने की जानकारी दी। रविवार को ही बांग्लादेश में 3 लोग कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, जो हाल में इटली से लौटे थे। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत में इससे जुड़ा नया मामला सामने आया और 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। यह बच्चा केरल का है, जो कि अपने परिवार के साथ इटली से वापस लौटा था। इसी के साथ भारत में कोरोना वायरस से जुड़े केस की संख्या 41 हो गई है। केरल में पिछले 2 दिनों में ये 6ठा मामला है जो कोरोना वायरस से जुड़ा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 7 मार्च को ये परिवार इटली से लौटा है, जिसमें 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस के लक्षण पॉजिटिव पाए गए हैं। इटली से वापसी के बाद परिवार की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई थी। जब टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तकरार दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने उसे बिहार की एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे किसी भी वादे से इनकार किया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर उन्हें राज्यसभा की एक सीट देने के वादे को याद दिलाया है। गोहिल का यह पत्र मीडिया में रिलीज हो गया। पार्टी का कहना है कि हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल अपना वचन निभाएगी और उसे अपने कोटे की एक सीट देगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। शोपियां जिले के खाजपुरा रेबन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि 2 अन्य भी घिरे हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के तहत जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध इलाकों की ओर बढ़ने लगे, वहां छुपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। हमारे देश में त्योहारों का एक अपना महत्व है, इसमें होली भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली के इस पर्व को खुशी खुशी मनाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो अपनी खुशी से ज़्यादा औरों को खुश देखकर ही अपना त्यौहार सेलिब्रेट करती है। एक संस्था एक छोटी सी कोशिश कर रही है, जो खुद गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों की मदद करते हैं और खुशियों के कुछ पल बांट रहे हैं। होली के मौके पर इस एनजीओ ने 50 ज़रूरतमंद परिवारों को गुजिया, गुलाल, पिचकारियाँ, बलून्स, रंग की डिब्बियाँ भेंट की। हमारा एक एनजीओ है जिसका नाम है एक छोटी सी कोशिश। हमारा यही परिपथ रहता है कि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि जो फेस्टिवल नहीं मना पाते हैं पैसों की कमी के कारण, तो बस उन लोगों को वो चीज़ बांटना, जैसे कि होली पे गुजिया हैं, टोपी हैं और बैलून्स हैं, पिचकारी हैं, गुलाल है, ये सब देना। वैसे ही हम लोग दिवाली पे करते हैं और हमारा बस यही उद्देश्य है कि ये हमारा एनजीओ जो है एक छोटी सी कोशिश बहुत आगे तक जाए। ये पहले तो हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है छोटी सी कोशिश, ये हमारा एनजीओ है। तो हमने सब लोगों ने इसमें मदद की है, जिससे जितनी हेल्प हो पाई है उसमें की है, और हमारे टांडे क्षेत्र से और हमारे टांडे के लोग ये सब लोग मिलकर करते हैं। और क्योंकि हमें गरीबों की सहायता करके इतनी खुशी मिलती है कि मतलब ये खुशी हमें शायद और कहीं नहीं मिला, और जिस खुशी की तलाश में वो हमें यहाँ मिलती है।
अब जैसे कि ये गरीब तो नहीं है, जरूरतमंद लोग हैं और ये इतना कुछ नहीं हो पाता इन लोगों के पास, तो अब हम जितना कुछ दे पाते हैं, हमने गुजियाँ दी हैं इनको, गुलाल है, पिचकारी है और कुछ बैलून्स हैं, तो जितनी हम खुशियाँ दे पाते हैं अपनी तरफ से इतनी कोशिश करते हैं। और देखो अभी खुश हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और लोग मदद करते हैं और हमारी टीम में ये भी है, ये पूरा इनका बहुत बड़ा योगदान रहता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित देश भर में कई आयोजन हुए। इसके तहत उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी एक अनूठी पहल की है। इस दिन आगरा अजमेर इंटरसिटी रेल का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथों रहा। महिला लोको पायलट, गार्ड एवं टिकट चेकिंग स्टाफ एवं RPF कर्मियों का एक फ्लाइंग स्क्वाड सहित पूरा काम महिलाओं के जिम्मे रहा। इस पूरी ट्रेन का संचालन महिलाओं ने किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान के तहत किए गए काम के लिए जयपुर जंक्शन पर DRM जयपुर मंडल मंजूषा जैन ने इन महिला कर्मचारियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जयपुर स्टेशन पर एक हेल्थ ATM का भी उद्घाटन किया गया। प्रदेश में होली की मस्ती छाई हुई है। होली के अवसर पर जगह जगह फाग उत्सव हो रहे हैं। इसी के तहत राजधानी जयपुर के छोटी चौपड़ स्थित श्री रोजगारेश्वर महादेव मंदिर में विशाल फागोत्सव और फूलों की होली खेली गई। यह आयोजन धरोहर बचाव समिति राजस्थान और जयपुर व्यापार मंडल की ओर से किया गया था। धरोहर बचाव समिति के भारत शर्मा ने अतिथियों का माला पहना कर स्वागत किया। फाग में गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाए। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र श्रीमाली, सचिन शर्मा, राधेश्याम शर्मा भी मौजूद रहे। हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार के लिए काफी खराब रही। हालांकि आज के कारोबार में यस बैंक के शेयरों में तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। बैंक में ग्राहकों के पैसे सुरक्षित होने के सरकार के आश्वासन और उसे बचाने के लिए SBI के आगे आने से निवेशकों का विश्वास थोड़ा लौटा है। निवेशक अपने पैसों को लेकर डरे हुए हैं। बाजार पर बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है। करीब 650 अंकों की गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स में बिकवाली बढ़ती जा रही है और देखते ही देखते इंडेक्स 1500 अंकों से ज्यादा गिरकर 36,070 के करीब पहुंच गया और निफ्टी 418 अंक नीचे 10,570 पहुंच गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दैंगल के साथ। नमस्कार।